खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए KNN मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर भिवानी के कृषि विज्ञान केंद्र में ऐसे किसानों को सम्मानित किया गया जिन्होंने कृषि के कार्य में अपनी पहचान बनाई है। साथ ही ऐसे किसानों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने देसी खाद के सहारे खेती करके दिखाई है। कृषि विज्ञान केंद्र में आज एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर ऐसे किसानों को सम्मानित किया गया जिन्होंने खेती के नाम दम पर अपनी एक पहचान बनाई है। कार्यक्रम में किसानों के अनुभव को समझा गया और उनके खेती के कार्यों को अन्य किसानों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध करवाई गई। तो उन्होंने जो विचार रखा ना पंजाब से लेकर लाहौर से लेके और मतलब लखनऊ तक वो बोला, मतलब वो एक बार कह दिया करते अंग्रेज कहा गजट के अंदर है, जाट गजट नाम की पत्रिका आज भी पब्लिश होती है और उसके अंदर उनको देनी पड़ी, बाकी को तो यूं दे दिया करते, तो देनी पड़ी थी भाई ये छात्र। तो उनके विचार से जो प्रेरित होके निकले चौधरी चरण सिंह और मुलायम यादव और ये सब इस तरह से निकल के आए और ठाकुरों के कब्जे में रहा करती थी, उसका एक समीकरण था, मतलब उनसे बातचीत करके सदर सिंह तो इनको जो है कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से किसान होने के नाते गौरव की वजह से इनको जो है किसान सम्मान। और शाह सिंह को ये माला पगड़ी और चार ओड आगे ऑर्गेनिक फार्मर को सीख लेंगे और वो भी शुरू करें, वो भी इसको ज्यादा से ज्यादा समय की जरूरत है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी बीमारियां कम रहेंगी, वातावरण शुद्ध। डॉक्टर लोहान साहब के बहुत आभारी क्योंकि हमने बड़ा खुश वन है, गांव दगड़ोली है और मेरा फोन नंबर 9834-20753। जयपाल जी आपको सम्मानित किया गया है, हाँ जी क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि मुझे एक इतना बड़ा सम्मान मिला इसके लिए मेरा डॉक्टर लोहात साहब का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, आत्म दिल से आत्म सम्मान से सह दिल से इतना बड़ा सम्मान मुझे मिला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सम्मानित करने का श्रेय इसलिए दिया गया कि मैंने कसम खा ली कि अपने हाथ से अपने खेत में जहर या DAP या यूरिया नहीं डालूंगा। मैं तो यही सहयोगियों का साथियों को यही कहूंगा कि इसके बगैर खेती हो सकती है, संभव है। कितने सालों से आप कर रहे हो? मुझे 7-8 साल हो गए खेती करते। भावनाएं है कि कहते हैं कि अगर ऑर्गेनिक खेती करो तो उसके बाद फसल अच्छी नहीं होती, आपका क्या मानना है? ये मानना मेरा तो ये है शुरू के 1-2 साल थोड़ी सी कम उपज पैदा होती है लेकिन धीरे धीरे उसी स्तर पर जो DAP यूरिया से होती है रासायनिक खादों से होती है उससे ज़्यादा भी संभव है अगर किसान तन मन धन से ज़्यादा कोशिश करे तो। ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है? हाँ जी मेहनत की ज़्यादा है, शारीरिक मेहनत ज़्यादा है,